काबुल के अमीर हबीबुल्ला खान साहब वायसराय की दावत पर 1907 में दिल्ली आए थे। दिल्ली में उनके सफीर सरदार मोहम्मद खान थे। उन्होंने अपने एक सफीर इस्माइल खान को एक बड़े बुजुर्ग के पास शाह गुलाम अली की खानकाह में इस पैगाम के साथ भेजा कि मैं आपसे मुलाकात करने का मुश्ताक हूँ, मुझको हाजिर होने की इजाजत दी जाए। आपने सफीर साहब से फरमाया कि अमीर साहब को हमारा सलाम कह दो और हमारी तरफ से ये बात कह दो, आपकी दिल्ली आने की अर्ज मेरी मुलाकात ना थी, लिहाजा जिस काम के वास्ते आप आए हैं उसको पूरा करने में मैं आपके वास्ते दुआ खैर करता हूँ। अगर आप काबुल से मेरे पास मुलाकात की नीयत से आते तो ये फकीर आपसे मुलाकात जरूर करता। ये जवाब था हजरत शाह अबुल खैर साहब का, जो जिनमें हजरत मुजद्दद अल-फसानी का खून बह रहा था। दोस्तों, इस सनसने किस्से को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।